जी ये मिर्जा जिंदाबाद और मेरा शहजादा और मेरा दोस्त और मेरा लीडर। तो यार बोल भी ऐसे ना तरीके यार बाहर में वापस थे थे। ना तो ये क्या हुआ वो पकड़ो वो अहले तशीद मैंने लीडर को उठा के ले गए और यहाँ पे क्या करूँ क्या इतने से एक बंदा मिला था यार मौलवी हौसला कर अली भाई दिलेर आदमी है फिरको के खिलाफ बंदे को कोई वर्गला नहीं सकता अच्छा कुछ करते हैं अच्छा भाई कुरान को साथ ले लेते हैं उसके बाद भाई अब्दुल वहाब को साथ ले लेते हैं पहले अली हदीस से हर इंसान हो मैं और दोस्तों के साथ मिला लेते हैं आ जाओ तो गमे हुसैन तो जारी है ये गमे हुसैन है जो नबी इस्लाम की जिंदगी में भी आपको है कि नबी इस्लाम अपनी वफात के बाद भी अल्लाह की जन्नतों में गमगीन है कि हुसैन इब्न अली को शहीद किया गया क्या हुआ किधर जा रहे हैं अजीब बातें कर रहे हैं मुझे लगता है पूरी तरह उनके बहकावे में आ गए ऊपर कैसे है अभी तो मैंने बात भी नहीं की देखो भाई किस चीज का दम शहीद तो जिंदा हैं और आला नेमतों में अल्लाह फरमाते हैं कि ला ताइनु वला ताज़नु गम ना करो फरमाया कि फासाबकुम गममन बिगममिन लिकी ला ताज़नु वला मा फातकुम वला मा असाबकुम यानी तुम्हें गम पर गम पहुंचाया ताकि तुम दिल शिकस्त ना हो किसी चीज से किसी नुकसान से और ना किसी मुसीबत पर और फरमाया कि लिकी ला ताज़नु वला मा फातकुम वला तफ़रहु बिमा आताकुम अब इस सब में बेसिक कंसेप्ट यह है कि आपने अपनी इंस्टिंक्ट पे काबू पाना है आपने गमज़दा नहीं होना और ये दो कंसेप्ट ही डिफरेंट पेश कर रहे हैं यार अब्दुल वहाब भाई डोंट जंप टू कंक्लूजन उनका मौकफ तो सुने आगे अस्सलामुअलैकुम जनाब हाँ तो देखे जनाब आप हमारा बंदा उठा लाए हैं ये तो अच्छी बात नहीं होती सारा मासूम जा लीडर है मेरा साथी ये तो शुरू से ही हमारे जिगर हैं अली भाई इनको बताएं शिया कैसे होते हैं ये फर्क है अली के शिया में और मुआविया के शिया में अली के शिया फिर ऐसे होते हैं नहीं ये तुम चीटिंग कर रहे हो अली भाई पूरी बात बताए ना आपने क्या कहा था मदीने वालों ने बैत तोड़ दी थी यजीद की हालांकि वो पहले भी तलवार के जोर पे ली थी मामिया ने रदी अल्लाह ताला अन्हु रदी अल्लाह अन्हु कहेंगे अली के शिया फिर ऐसे होते हैं शिया पॉलिटिकल टर्म है ये चीज शिया एक पॉलिटिकल टर्म है इस तरह तो अहले हदीस भी एक लिटरेचर टर्म है उस पर कोई इतराज करते हो लिटरेरी हद तक इतराज नहीं इतराज इस बात पर है कि आप कहते हैं कि अहले हदीस हक पर हैं और बाकी सारे काफिर ये तो हमारा दावा है कि शियाने अली आला और बरतर हैं और बाकी सारे काफिर और जाहिल क्योंकि जिसने अली शेर खुदा का साथ नहीं दिया वो मुनाफिक है किसी शख्स को हजरत अली की मुखालफत की वजह से मुनाफिक या काफिर कहना ये चीज गलत है चूंकि हमें वही की ताइद हासिल नहीं है लिहाजा जो जो लोग भी हजरत अली के मुखालफीन है इवन खवारिज भी है उन्हें भी हम मुनाफिक नहीं कहते आरी मुस्लिम की हदीस है कि जो किसी मुसलमान को काफिर कहे कुफर उस पर लौट जाएगा तो जो हमारे हजरत अली को काफिर कह रहे हैं मौला अली ने कभी उन्हें जन्मी नहीं कहा हजरत अली से जब पूछा गया कि बताए ये खवारिज जो है काफिर है उन्होंने कहा ये कुफर इस दो भागे हैं इन्होंने ये गुमान किया कि मैं काफिर हो गया हूँ तो ये मुझे छोड़ गए इसका मतलब है ये कुफर से इतनी नफरत करते हैं कि जिस चीज को इन्होंने कुफर समझा उसकी वजह से मुझे छोड़ दिया तो लिहाजा मैं इन्हें काफिर नहीं कहूंगा पूछा गया मुनाफिक है वो कहते हैं मुनाफिक तो नहीं है क्योंकि कुरान में है कि मुनाफिक तो अल्लाह का जिक्र बड़ा थोड़ा करते हैं ये तो इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं पॉलिटिकल टर्म में बगावत है रिलीजन से बगावत नहीं है वाह जज़ाकअल्लाह इतना बैलेंस्ड और अनबायस एनालिसिस और बोलो तो सही मैं 5000 वाली मजलिस में पढ़ी 15000 वाली मजलिस में पढ़ी 50000 वाली में पढ़ी को बढ़ाई नहीं तकब्बर नहीं क्योंकि मेरे वर्गा पीस पूरी कायनात के नहीं मिंबर कोफा पर बैठकर कह रहे थे दुनिया वालों सूरज बनाने वाला मैं अली हूँ आसमान बनाने वाला मैं अली हूँ जमीन बिछाने वाला मैं अली हूँ नबी भेजने वाला मैं अली हूँ किताबें नाज़िल करने वाला मैं अली हूँ ये जवाब नकवी साहब मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने पूंजी और आदि के तौर पे उन्हें भेजा है उन्होंने कहा कि जो गाली शिया है हमारे अंदर ये आदियानियों से भी बदतर है आदियानी खत्म नबूवत में शिर्क कर रहे हैं और हमारे जो गाली है ये अल्लाह की जात के साथ शिर्क करते हैं जब ये कहते हैं अली अल्लाह या हुसैन जल्ला जलालू शिया उलमा को चाहिए कि गालियों को बाहर निकाल दें ये घुसपैठिए हैं ये मुसलमान नहीं हैं बल्कि ये दुश्मन है हकीकतन कि बाकायदा तौर पर पेशावर जाकिर हायर किया जाता है किराए पिलाया जाता है सोग है ये रुलाने वाला किराए पिलाए हो वो कौम के जो कलमा पढ़ते हैं वो उठ उसको दाद देते हैं इन अपनों पर मातम की जरूरत है एक नोआ इस पर भी लिखा जाए और मातम किया जाए कि खुलेआम शिर्क बकने वालों को दाद देना और उनको महंगी फीसें देकर उनको दावत देकर बुलाना ये कौम किधर जा रही है उन्होंने कहा कि जो सूफिया का तबका है इनका मामला हमारे गाली शिया से भी आगे बढ़ इसलिए कि गाली शिया तो अली को अल्लाह कहते हैं ना
ये कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी ने अल्लाह को भी रूह वापस ले ली। वो आपने सुना नहीं, वो जमालुद्दीन कादरी बगदादी साहब कहते हैं कि छोड़ दो अब्दुल कादिर पीछे पै गए। सूरह ज़ुमर में आया कि ऐ नबी जिनके लिए अज़ाब का फैसला हो चुका क्या तुम उन्हें आग से बचा लोगे? यार गुलाम और तुदा कुछ करो, इस तरह तो इंजीनियर उनकी तरफ जा रहा है। फिक्र ना कर, देख अभी मैं असल शोशा छोड़ता हूँ। अरे भाई यजीद और माविया और बनु उमैया के बारे में भी कुछ बताए ना, आपने तो कहा था मैं बनु उमैया पे तलवार चलाऊंगा। चलो जी उन नवारा फटाया लगा जे। हैं ये अली भाई किधर गए? ओए मैं ओवरऑल जो अहले सुन्नत का मनहज है उसे हक पे मानता हूँ कि हजरत अली की शान पे इन्होंने कम्प्रोमाइज कोई नहीं किया। मुखालफीन जो सहाबा इकराम थे वो तो आला दर्जे के मुसलमान है कि उन्हें गलती लगी है और अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर करे। लेकिन अली भाई बनु उमैया के मजालिम, उनकी मलूकियत, उनकी कत्लो गारत, आप एकदम उनको इग्नोर कर देंगे सब कुछ? रबियत के खिलाफ अहले सुन्नत उसी वक्त विन कर सकते हैं जब आले उमैया को कटारे में लाके खड़ा करेंगे। भाई ये तो दोगली बात है, पहले आप कह रहे थे गलतियां माफ हों, अब आप कहते हैं बनु उमैया को कटारे में खड़ा करो। अब्दुल्ला इनसे कहो ये बनु उमैया की जान छोड़ नहीं सकते, अब आज के दिन उस बात को उस टॉपिक को उठाने का आखिर क्या मकसद है? अब्दुल वहाब भाई मकसद ये है कि बनु उमैया के दौर की मलूकियत और तब के माल आज भी वैसे ही कायम है, तब के दरबारी उलमा से लेके आज तक वही निज़ाम चल रहा है। इस निज़ाम को खत्म करने के लिए उस मामले को क्लियर करना बहुत जरूरी है कि निज़ाम हुकूमत क्या होना चाहिए। क्या कोई भी हुकूमत में आगे बैठ जाए, क्या विरासत चलेगी, बाप अपने बाद अपने बेटे को बना जाएगा, या कोई बंदा भी तलवार के तौर पर आगे तख्त पे कब्जा कर लेगा? इस सबको क्लियर करने के लिए बनु उमैया की बात की जाती है। आप एक्नॉलेज करें कि हाँ भाई सिस्टम ठीक नहीं है, शुरा होनी चाहिए, तो टॉपिक फौरन खत्म हो जाएगा। जब तक आप सिस्टम को डीप डिग नहीं करते हैं उस वक्त तक आपको ये इशू समझ नहीं आ सकता। ये मसला कोई एक जंग का नहीं है, पूरे सिस्टम का है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम को डैमेज करते हैं। मैं पिटीशन लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता हूँ, ये मेरा राइट है, लेकिन अगर मैं एक फौज बना के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर दूं कि जी मुझे इंसाफ दे, तो इसको बगावत कहा जाता है। पॉलिटिकल टर्म में बगावत है, रिलीजन से बगावत नहीं। हाँ सच्ची बात है यार अब्दुल वहाब भाई, एक दफा कह देना बनु उमैया ने गलत किया, तलवार के तौर पर मुसलमानों की खिलाफत पे कब्जा करना गलत है, खिलाफत को मलूकियत में कन्वर्ट करना गलत है, बाप का बेटे को वारिस बना देना गलत है, चाहे कोई भी खानदान हो। कैसे कह दूं भाई, इस तरह तो फिर अपने यहाँ भी और अरब ममालिक में भी जो डिक्टेटरशिप और बादशाहतें कायम हुई हैं वो सब इनवैलिड हो जाएंगी। हरियाणा का चक्कर है, छोड़ो गल नू भाई। बुरहान आप कह देना कि बनु उमैया ने खिलाफत तोड़कर मलुकियत कायम की जबकि इस्लाम शूरा का निजाम पेश करता है। कैसे कह दूं भाई, मैंने तो दरमियानी और पिलपिली सी बात करनी होती है, जेड़ा जिते हो दे नाल। यार अब्दुल्ला भाई वीडियो काफी लंबी हो गई है, बस ना करें। पाइन बस किथे करें, गल नु मुकाओ, मैं इंजीनियर नु लेके जाना है कि नहीं? अच्छा अभी दो मिनट में मसला करता मैं, ठीक है। अली भाई नजरिया इमामत के हवाले से आपका क्या मौकफ है? ऐसे इमाम का मुझे क्या फायदा जो पिछले ऑलमोस्ट 1100 साल से गार में छुपा बैठा है, और किस गार में है कैसे मैं कॉन्टेक्ट करूँ? वो कहते नहीं, असल में उलमा जो है ना वो उनकी मीटिंग जो है ना वो हालात हाजरा के मुताबिक इज्तिहाद करेगी। सर यही असल दीन, यही दीन है। खत्म नबूवत नबी इस्लाम के बाद हो चुकी है। आप इस्लाम के बाद किसी शख्स के ऊपर कोई वही नाजिल नहीं होगी, किसी का कोई डिवाइन रिलेशन नहीं अल्लाह के साथ होगा, ना किसी सहाबी का, ना किसी ताबी का, ना किसी बुजुर्ग का, चाहे खुलफा राशिदीन ही क्यों ना हो। अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाह अली भाई, जज़ाकल्लाह। लेकिन अली भाई आइमा अहले बैत तो मासूम हैं और निजामे कायनात ही वो चला रहे हैं। सफाए अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के कोई भी अल्लाह का मुखलस बंदा नहीं, लिहाजा अहले तशय्यू का ये अकीदा कि आइमा अहले बैत रहिमहुमुल्लाह मासूम हैं, तो ये उनका नजरिया बिल्कुल किताब व सुन्नत के खिलाफ। पर अहले सुन्नत के जो लोग ये कहते हैं कि गौस कुतुब अब्दाल इस कायनात का निजाम चला रहे हैं, और अहले तशय्यू के जो लोग कहते हैं कि पांच तन पाक ये निजाम चला रहे हैं, उनके पास इस्लाम का कोई हिस्सा बाकी नहीं है। वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो और तजदीद निकाह भी करें। लेकिन अली भाई देखें, मौला अली तो अल्लाह के वली हैं, आप कैसे इस बात को झुठला सकते हैं? और इसका इकरार तो हम अपनी अजान और अपने कलमे में भी करते हैं। अली वलीउल्लाह, अबू बकर वलीउल्लाह, उमर वलीउल्लाह, उस्मान वलीउल्लाह, ऐसे स्लोगन तो नाते से ठीक है। अली वलीउल्लाह कहना अच्छा काम है, हम तो अबू बकर को वलीउल्लाह मानते हैं, उमर को वलीउल्लाह मानते हैं, उस्मान को वलीउल्लाह मानते हैं, अली को वलीउल्लाह मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं कलमे में आप ऐड ना करें। अली भाई ये जो अहले तशी की रसूमात हैं इस हवाले से कोई एडवाइस करें? थामनाई साहब का फतवा है कि ये छुरी मारना अपने आप हराम है। मौला इसहाक साहब ने बकायदा शिया की फिक की किताबों से बताया कि मातम करना हराम है। ये बिदात है जिन्होंने दाखिल, प्रोग्रामों के मैं खिलाफ नहीं हूँ, आप करें सारे खुलफा राशिदीन के प्रोग्राम करें, लेकिन ये जो बाकी जो चीजें, ये झूले और जुलजना के जुलूस निकालना और ये पंजे और उसके नीचे से गुजरना, आजकल तो घोड़ों को दफना भी रहे हैं, तो ये सब के सब बिदात है। अगर मौला अली अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पंजा नहीं लगाया तो बाकी पंजे तो शायद कोई नहीं। आग पर मातम, कोयलों पर मातम, जंजीर जनी और इस तरीके से घोड़े के नीचे से गुजरना, ये सब की सब चीजें जो है ना ये इस्लाम में बिदात है और इस्लाम की बदनामी का बायस। ये कुफर इस्लाम का मसला नहीं, ये वही बिदात है कि जो मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ मकातबे फिक्र में आई हुई है।
ये जरा डोमिनेट हो जाती है, वो जरा डोमिनेट है भी है। कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए, ना बरेलियों को इजाजत हो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालने की, या शिया 10 मुहर्रम के ऊपर ये जो कुछ कर रहे हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट में किसी ग्राउंड में इजाजत दें अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने, जो मजलिस करनी है या कोई प्रोग्राम करना है किसी मकबे पे। अरे भाई अल्लाह को जज़ाए खैर दें, बस आज मेरा भी इरादा है कि मेरा ताल्लुक किसी फिरके से नहीं है, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी और हम भी। अल्लाह अकबर। अली भाई आवे आवे। ओ जियो शेरा। यार अब्दुल्ला मुझे डर है अली भाई किसी फिरके की तरह माइल ना हो जाएं। अब्दुल वहाब भाई हम इनको टेक इट ग्रांटेड फॉर समझते हैं, ऐसा नहीं है, भूल चूक लाजमी होगी, लेकिन याद दहानी ईमान वाले पे नफा देती है। पाइन एतानु फरिश्ता कोई नहीं लबना परा वाला दुनिया च, ये जो है ना ये अल्लाह की नेमत है, इन्होंने सीधा पतरा कर लो। और उनकी तो दावत ही ये है कि हर बात को कुरान और हदीस के तनाज़ुर में परखो, किसी की अंधी तकलीद ना करो। वतवासौ बिलहक, हक बात की आपने लोगों को वसीयत करनी है। जैसे ही आप लोगों को हक बात पहुंचाएंगे कि तुम ये गलत कर रहे हो, तो आपको फिर वतवासौ बिसब्र तक भी पहुंचना पड़ेगा। हक के रास्ते में जो तकलीफ आएंगी उस पे आपने सब्र करना है, क्योंकि झूठ भी इतना मुजय्यन करके पेश किया जाता है, ऑलमोस्ट 19-20 के फर्क नजर आ रहा हो, हालांकि जमीनों आसमान का फर्क है, लेकिन ये जमीनों आसमान का फर्क उसके लिए जैसे समझ आ जाए, वरना हक और बातिल में 19-20 के फर्क है। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमाए, उनके साथ महशूर फरमाए, और अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया के अंदर जो ये फिरका वारियत इस उरूज के ऊपर है, इसे तोड़कर उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जात के साथ जोड़े। आमीन। आमीन। आमीन।